अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम जब एसपीएससी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये डेफिशिएंसीज फाउंड हो रही हैं कि योर क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच, डोमिसाइल डज नॉट मैच, तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। जब ये आप अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट पोस्ट के साथ, जैसे अकाउंटेंट, लेक्चरर, बॉटनी, तो आगे जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये वाली चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें इस चैनल में, आपको इस यूट्यूब में चैनल पर आप, मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब चलते हैं, अभी मैं अपने प्रोफाइल मेरा सामने है आपके साथ अभी। ये तो हम हैं डैशबोर्ड पर। अभी हम लेफ़्ट टॉप पे तीन लाइंस को क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे कि हमने सही पुट की है या नहीं पुट की। तो मैट्रिक मैंने डाली हुई, इंटरमीडिएट और बीएस बैचलर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो फिर हम चलेंगे अवेलेबल जॉब्स के ऊपर। जैसे ही अवेलेबल जॉब्स यहाँ पर देखें, डिप्टी कंट्रोलर इंग्लिश वगैरह, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर मैथमेटिक्स, डायरेक्टर बायोलॉजी, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की लेक्चरर्स की जॉब्स हैं। सिस्टम मैनेजमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये देखें कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को मैच करते हुए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर इंस्ट्रक्टर केमिस्ट्री, सीनियर इंस्ट्रक्टर की भी जॉब बीपीएसएल टीम में, या लेक्चरर इंग्लिश। अब अप्लाई करने से पहले आपने इसको, ये जो आई वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। आपने इसकी क्वालिफिकेशन देखनी है कि आप वाकई इसके साथ मीट कर रहे हैं या नहीं मीट कर रहे हैं, जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर पुट की हुई है। अच्छा, उसके साथ भी आपने देखना है कि क्वालिफिकेशन की ईयर्स, डेट ऑफ अनाउंसमेंट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने सही। देखो, लेक्चरर इंग्लिश प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट के दो पोस्ट है, 17 स्केल है। एज जो है 22 ईयर्स, एज पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। एक रूरल की सीट है, एक अर्बन, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री हैविंग एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, मास्टर डिग्री हो सेकंड डिवीजन हो इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड भी लाजमी है इसके साथ, ये आपने चेक करना है। अगर बीएड लाजमी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपका, मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी नहीं है तो मैं अप्लाई करूंगा तो ये डिफिशियंसिस फाउंड, मतलब मेरे पास बीएड नहीं है। तो हम अभी आगे चलते हैं लेक्चर एंड देखो कितनी जॉब्स इस पीसी ने हमें दी हुई है। तो लेक्चरर इंग्लिश पे हम जब अप्लाई करते हैं, इसके लिए अगर हम अपने, अपनी क्वालिफिकेशन देखूंगा कि मीट कर रहा हूँ। लेक्चरर इंग्लिश कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट मीरपुर खास रीजन, ये रीजन की जॉब है लेकिन ये डोमिसाइल आप सिंध में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 20, 17 स्केल के लिए जॉब है। एज जो है 21 से 28 साल, 6 रूरल की है। नंबर ऑफ सीट्स है, मास्टर्स डिग्री इन सेकेंड डिवीजन, ये जो मेरी, ये मतलब मैं इस क्वालिफिकेशन, ये मेरी है, और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो मैं अभी अप्लाई करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ये कहेगा डिफिशियंसीज कहेगा, ठीक है। तो हम इसको अगर अप्लाई करें तो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग है। हाँ, डिफिशियंसीज फाउंड। अभी एक मसला है, अगर हम इसकी दोबारा देखें डिटेल्स, तो ये एज कह रहा है कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल है, तो मेरी एज 28 साल से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये कह रहा है डिफिशियंसीज फाउंड। तो इन सारों चीज़ों को आपने डेट ऑफ बर्थ, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एज लिमिट को दे के आप अप्लाई करें तो ये आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें।